और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आप देखिए। रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के एक कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया है। वीडियो में कुछ रूस के सैनिक यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एक और हमले का वीडियो जारी किया है। इस हमले में रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सामने आए वीडियो में रूस का सैनिक यूक्रेन के सैनिक के ठिकानों पर गोली दागते दिखाई दिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। दोनों ओर से जमकर गोले दागे जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया है। और यूएन ने यूक्रेन में 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि साथ ही ये भी दावा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई इलाकों से जानकारी नहीं मिल सकी। रूस यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जो रात के वक्त का है। वीडियो में यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट करते देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को नया रॉकेट देने का प्लान तैयार किया है। नए रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन ने दावा किया कि महायुद्ध में रूस के 160 से ज्यादा जनरल और 1500 से ज्यादा कर्नल की मौत। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि 9 महीने में यूक्रेन पर 16,000 से ज्यादा मिसाइल दागी गई, जिससे 12,000 से ज्यादा शहरों और गांवों को नुकसान पहुंचा, लाखों लोग बेघर हुए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेल्जियम यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देंगे और जिसमें 10 अंडरवाटर ड्रोन भी शामिल है। माना जा रहा है कि इन ड्रोनों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्ध पोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी। यूरोपियन यूनियन ने युद्ध के बहाने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में इस वक्त हम आपको बताते हैं। अमेरिका पर फायदा उठाने का आरोप लगा है। तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और ऐसे में बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। यूएस पर युद्ध का फायदा उठाने का आरोप भी लगा है।